प्यारे दोस्तों साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। आपको बता दें कि जेल से जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की एक कॉल आई है। कॉल उसी के एक भक्त ने की है और इसमें क्या क्या बात की है वो सब कुछ आप लोगों को बता देंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि हरिद्वार धर्म संसद के बाद से तमाम ही तरह की जब इन लोगों ने गुस्ताखियाँ की मुसलमानों को लेकर के, मजहब इस्लाम को लेकर के, उसके बाद से ही इन लोगों पर केसेस शुरू हो गए और आखिरकार ये लोग इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। हरिद्वार जेल में बंद जितेंद्र नारायण त्यागी से सुरेश चाड़के ने बात करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। कहा कि संपूर्ण हिंदू समाज आपके साथ है। हरिद्वार धर्म संसद मामले में जेल में बंद जितेंद्र नारायण त्यागी से सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चाड़के ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की और उन्हें सहयोग का भरोसा दिलाया। यानी ऐसे लोगों को सहयोग का भरोसा दिलाया जो कि खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। आपको बता दें कि हरिद्वार धर्म संसद मामले में जितेंद्र नारायण त्यागी हरिद्वार के जेल में बंद है। उसे नारसर बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा जूना अखाड़ा का जो यति नरसिंहानंद है उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। जितेंद्र नारायण त्यागी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस दौरान जितेंद्र नारायण त्यागी ने कहा कि मैं केवल नाम के लिए नहीं बल्कि काम के लिए ही हिंदू बना हूँ और किसी भी संघर्ष व बलिदान के लिए तैयार हूं। इस बात की जानकारी स्वयं अपने ट्विटर के जरिए दी है। आपको बता दें सुदर्शन चैनल का एक शख्स हरिद्वार जेल से जितेंद्र नारायण त्यागी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात की। इस शख्स ने भी यहां पर ये कॉलिंग की है और बताया गया है। अब आपको बता दें यहाँ पर हम ये जो शख्स है सुरेश चाड़के जो कि सुदर्शन चैनल का मालिक है या उस पर काम करता है वगैरह, ये भी बहुत बड़ा मजहब इस्लाम का दुश्मन है। हमेशा मजहब इस्लाम को लेकर के बयानबाजी करता है। हरिद्वार में पिछले दिनों हुई धर्म संसद में धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, इसे लेकर के काफी विवाद मचा हुआ है। हेड स्पीच मामले में दर्ज प्राथमिकता में 10 से अधिक लोगों के नाम हैं। इसमें नरसिंहानंद त्यागी और अन्नपूर्णा तमाम लोग शामिल हैं। भड़काऊ भाषण को लेकर के वसीम जितेंद्र नारायण त्यागी को नारसन बॉर्डर से हरिद्वार आते वक्त गिरफ्तार कर लिया था। सीजीएम कोर्ट ने जितेंद्र नारायण त्यागी की जमानत खारिज कर दी। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का ये पहले अध्यक्ष रह चुका है। लेकिन इस वक्त हम आप लोगों को बता दें कि जो शख्स होता है वो उसी की तलाश में रहता है। यानी कि दुश्मन दुश्मन मिल गए। जो लोग खुद मजहब इस्लाम के दुश्मन हैं आज वो खुद नारायण त्यागी से बात कर रहे हैं, उसको भरोसा दिला रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुमको जल्द से जल्द जेल से रिहा कर देंगे। लेकिन जिस हिसाब से अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल धारा 144 लागू है, इसलिए अगर जमानत के कोई भी चांसेस नहीं है। इससे पहले उन्होंने जमानत की अर्जी लगाई थी लेकिन उसको खारिज कर दिया था। यकीनन दोस्तों साथियों मजहब इस्लाम के दुश्मन हैं उनको जरूर जरूर सजा मिलती है।